बाप के बेटे ने मेरी बेटी को वरगलाकर उल्टी सीधी पटियां पढ़ाकर अपने ही घर से डायमंड का नेकलेस चुराने पर मजबूर किया। ये क्या कह रहे हैं आप? अरे ये तो शुक्र करें कि मैंने उसके लिए FIR नहीं कटवाई, पर आज वो जेल की सलाखों के पीछे खड़ा होता। ये झूठ है। Excuse me. Hello. This is Sassan Hayat speaking. मैं बैरिस्टर तौसीफ बात कर रहा हूँ, आपसे जरूरी बात करनी है। जी फरमाइए। मेरा बेटा रूमी और आपकी बेटी सारा दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं, यूनिवर्सिटी में एक साथ पढ़ते हैं। इन दोनों के सिलसिले में मुझे आपसे बात करनी है। रूमी मेरा इकलौता बेटा है, उसके अच्छे फ्यूचर के लिए मैंने बहुत ख्वाब देखे थे, इतनी जल्दी शादी के हक में भी नहीं था मैं। मगर रूमी मेरी एक बात नहीं सुन रहा और जिद पे अड़ा हुआ है कि शादी करेगा तो सिर्फ सारा से। आपने ये सोचा भी कैसे कि मैं आपके बिगड़े हुए नालायक बेटे के साथ अपनी बेटी की शादी कर दूंगा? ऐसा कभी नहीं होगा। मुझे भी कोई शौक नहीं है आपकी लाडोपली बिगड़ी बेटी को अपने घर की बहू बनाने का। वो तो आपकी बेटी है जो मेरे बेटे को प्रेशराइज कर रही है। और मेरा बेटा धमकी दे रहा है कि अगर उसकी शादी सारा से ना हुई तो वो अपनी जान दे देगा। इसी बात की वजह से मैं आपसे बात करने पर मजबूर हूं। डैड, डैड जी, आप क्या क्या देखे हैं? सुनता उस दिन जो कुछ भी हुआ उसे भुला के हम नई शुरुआत करते हैं। हमारे बच्चे इमोशनली इन्वॉल्व हैं आपस में। मैं ऐसे लड़के को अपना दामाद नहीं बना सकता जिसने मेरे घर में नकब लगाई हो। आपके बेटे ने मेरी बेटी को वरगलाकर उल्टी सीधी पटियां पढ़ाकर अपने ही घर से डायमंड का नेकलेस चुराने पर मजबूर किया। ये क्या कह रहे हैं आप? अरे ये तो शुक्र करें कि मैंने उसके लिए FIR नहीं कटवाई, पर आज वो जेल की सलाखों के पीछे खड़ा होता। ये झूठ है। इल्जाम है मेरे बेटे पर, पहले अपनी बेटी की तरबियत कर ले फिर दूसरों के बच्चों पर उंगली उठाए। आपकी बेटी सारा उस दिन घर छोड़कर यहां आ गई थी। मेरे बहुत समझाने पर वो वापस चली तो गई, मगर एक शर्त पर, हम बहुत जल्द उसका रिश्ता लेके आपके पास आ जाएंगे। बस enough। मेरी बेटी मेरे लिए बहुत अनमोल है। मैं किसी को भी इतनी जुर्रत नहीं दे सकता कि वो मेरी बेटी के किरदार पर कीचड़ उछाले। ऐसा नायाद की बेटी है वो, रिश्तों की कमी नहीं है उसके लिए। अरे अपने बेटे से कहिए पहले मेरी बेटी के काबिल तो बन जाए, फिर रिश्ते के बारे में सोचे। मन कीजिए फोन, सारा को बुलाओ, अभी बुलाओ उसे। ये क्या किया आपने? बनती हुई बात बिगाड़ दी। और ये क्या कहने की जरूरत है कि सारा घर छोड़कर यहाँ आई थी? ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, आपके बात करने का अंदाज बहुत गलत था। आखिर उन्होंने ऐसा क्या कह दिया था कि आप तो वो किसी सूरत इस रिश्ते के लिए राजी नहीं होंगे। तुम मुझे ये बताओ, सारा को घर से नेकलेस चुराने के लिए क्यों मजबूर किया था तुमने? ये झूठ है, सरासर इल्जाम है मुझ पे। मैंने कोई नेकलेस नहीं चुराया। शट अप। थोड़े से रुपयों के लिए तुम इतना गिर सकते हो, मैं सोच भी नहीं सकता था। शर्म आती है तुम्हें अपना बेटा कहते हो। आपने अच्छा नहीं किया डैड, आपको मेरे साथ जाना ही होगा, एहसन साहब से माफी मांगनी होगी, वरना मैं मेरे वहां जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और अब तुम भी अपने दिलो दिमाग से उस लड़की का ख्याल निकाल दो। एक महीने के बाद तुम US जा रहे हो हायर स्टडीज के लिए। मेरे जाने के सारे इंतजाम कर दिए हैं। प्लीज मेरी बात सुनो, एक लफ्ज मजीद नहीं, वरना मैं तुम्हारी शक्ल सारी उम्र नहीं देखूंगा और सारे ताल्लुकात खत्म कर दूंगा। अरे तौसीफ, बात तो सुनिए तौसीफ। Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.